जिले भर में चिटफंड कंपनियों का फैला मकड़ जाल। न्यू अपडेट 20 सितंबर 2020 की। जी हाँ दोस्तों, आज की लेटेस्ट न्यूज़। न्यूज़ सुनाने से पहले आपसे हमारा अनुरोध है कि आप चैनल पर बने रहें ताकि आपको पता चल सके कि आज की बड़ी खबर क्या है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना विलंब करे कि आज की बड़ी खबर क्या है। डिडोरी नई दुनिया प्रतिनिधि। जिले भर में चिटफंड कंपनियों का मकड़ जाल फैला हुआ है। आलम यह है कि जिले में 1000 से अधिक लोग ठगी का शिकार सामने आ चुके हैं। पुलिस अधीक्षक संजय सिंह की पहल के बाद जिले भर में सभी थाना और चौकी पुलिस द्वारा शिविर लगाकर पीड़ितों से आवेदन लिए जा रहे हैं। शिविरों में हजारों पीड़ित सामने आ रहे हैं। आदिवासी बहुत जिले के लोगों को करोड़ों का चूना लगाकर चिटफंड कंपनियों के जिम्मेदार गायब हो गए हैं। इस मामले में जिले में युवा भी झांसे में आकर ग्रामीणों का पैसा चिटफंड कंपनियों में लगवा चुके हैं। लगातार आ रही शिकायतों के बाद अब आरोपियों पर मामला दर्ज होने की संभावना बढ़ गई है। कोतवाली अंतर्गत ग्राम बरगा के ग्रामीणों ने चिटफंड कंपनी SPNJ के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत थाना में पहुंचकर दर्ज कराई है। ग्रामीणों ने लिखित शिकायत में बताया कि चिटफंड कंपनी में अपनी सारी जमा पूंजी जमा करने के बाद अब उनकी स्थिति भीख मांगने लायक हो गई है। तो दोस्तों ये हालात है चिटफंड कंपनियों के। 8 वर्ष बाद भी नहीं मिल रहा है जमा राशि का पैसा। या दोस्तों 8 वर्ष बाद भी नहीं मिल रहा है जमा की गई राशि का पैसा। ग्राम बरगा के ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि SPNJ बीमा कंपनी के एजेंट उन्हें मंडला ब्रांच ले गए, जहां उन्हें पैसा डबल कराने का नाम पर लाखों रुपये चिटफंड कंपनी में जमा करा लिया गया। एजेंटों के द्वारा ग्रामीणों ने कहा कि 6 साल से उनके द्वारा जमा की गई डबल राशि होने को मिलेगी। ग्रामीण एजेंटों के जाल में फंस गए और उन्हें अपनी मेहनत की कमाई चिटफंड कंपनी में जमा करा दिया। आरोप है कि 8 साल बीत जाने के बाद भी चिटफंड कंपनियों ने उन्हें पैसा वापस नहीं मिला। जिस लोगों ने पैसा जमा कराए थे वो ग्रामीणों को फ़ोन भी नहीं उठा रहे। जहाँ दोस्तों जिन लोगों ने पैसा जमा कराया वो अब कांटेक्ट में नहीं। सभी थाना में आ रही सैकड़ों शिकायतें। जहाँ दोस्तों सैकड़ों शिकायतें थाने में आ रहे हैं चिटफंड कंपनी के खिलाफ। ज़िले में सभी थाना चौकियों में सैकड़ों शिकायतें सामने आ रही हैं। ज़िले में बजाग, करजरिया, समनापुर, गांडासराई, मेंदावानी, कोतवाली, शाहपुर, सहपुरा थाना सहित अमरपुरा, बिछैया वह विक्रमपुर चौकी अंतर्गत लगाए गए शिविरों में सैकड़ों शिकायतें अब तक आ चुकी हैं। जागरूकता अभियान में अभी तक कोतवाली में ही 1 सैकड़ा शिकायतें चिटफंड कंपनियों के खिलाफ की गई हैं। जहां दोस्तों अकेली 1 कोतवाली में ही सैकड़ों शिकायतें चिटफंड कंपनियों के खिलाफ आ गई हैं। SPNJ गरिमा सारा, SPNJ बीमा कंपनियों सहित अन्य चिटफंड कंपनियों के खिलाफ लगातार शिकायतें सामने आ रही हैं। गौरतलब है कि जिले में पिछले 1 दशक से चिटफंड कंपनियों द्वारा जिला मुख्यालय में ही बेखौफ कार्यालय खोलकर पूरी लूट को अंजाम दिया गया, लेकिन इस दौरान अभी कोई कार्रवाई न तो प्रशासनिक स्तर पर हुई है और न जनप्रतिनिधि ने कोई पहल की है। जहाँ दोस्तों ना तो प्रशासन ने ही कोई अपनी तरफ से कार्रवाई की है और ना जनप्रतिनिधियों ने ही कोई पहल की है। तो दोस्तों इस वक्त जो है हालात बहुत नाजुक बने हुए हैं। सारा और JNS जो कंपनियां यहां पर खुली हुई हैं, जो लूटने के लिए यहां बैठी हैं, उन कंपनियों का इस वक्त पैसा मिलना बहुत मुश्किल पड़ गया है, क्योंकि पैसा लेकर ये लोग भूमिगत हो गए हैं। कुछ कंपनियों सेबी विभाग के अंटर में, जिनके कारण पैसा नहीं मिल पा रहा, क्योंकि सेबी और सहारा का मामला इस वक्त जो है 2013 और 2014 से अटका हुआ है और अभी तक इनका पैसा नहीं मिला। मामला बहुत गंभीर है। नमस्कार दोस्तों, ये कैसी आपको लगी हमारी आज की वीडियो, ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के